दोस्तों, पूरी दुनिया को रमजान मुबारक। और बस एक कोरोना रूपी वायरस के माहौल में, एक लॉकडाउन के माहौल में, ये सातों समंदर में बैठा बैठा अभी मैं सोच रहा था कि सातों समंदर में 71% पानी है, फिर जंगल हैं, पहाड़ हैं। तो मेरा जो अनुमान है कि 10 से 15% के बीच में पूरे विश्व में हम लोग 750 करोड़ लोग, या जो भी सातों समंदर रहते हैं। और इस कोरोना के माहौल में जब से मैं पैदा हुआ हूं, तब से मुझे पता लगता है ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है, ये सुपर पावर है। लेकिन आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों, कि सुपर पावर तो एक ही है, जो ये नेचर है, जिसने ये आंखें बनाई, जिसने ये मुंह बनाया, जिसने हमारा वंडरफुल शरीर बनाया। और इस कोरोना के लॉकडाउन में पूरे विश्व को कम से कम ये तो पता चल गया होगा कि पैसा देश नहीं चलाता है, देश और दुनिया को चलाती है तो प्रकृति चलाती है। और उसके बाद इस एक महीने में आज पूरे भारत में या पूरे विश्व में इस पटल को कौन चला रहा है? हमारे सफाई वाले चला रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड चला रहे हैं, हमारी नर्स बहनें चला रही हैं, हमारे डॉक्टर भाई चला रहे हैं, हमारे पुलिस भाई चला रहे हैं, हमारे एनजीओ वाले चला रहे हैं, हमारे वो ड्राइवर्स जो जिनको हम लोग बहुत जल्द इतनी एक अच्छे से नाम भी उनका नहीं लेते हैं, लेकिन वो कृष्ण रूपी सारथी आज जगह जगह जाके जानवरों से लेके छोटे सब जगह खाने बांट रहे हैं। आज आज देश को के सिस्टम को आदमी नहीं चला रहे हैं, आज सेवादार चला रहे हैं। और प्रकृति ने ये दिखा दिया कि एक कोरोना रूपी वायरस पूरे 750 करोड़ लोगों में भीड़ में भी एक दूसरे को अलग कर सकता है। और लेकिन प्रकृति ने अपने आप को प्रदूषण रहित कर लिया। आज सारे आप देखिए, जंगल की सड़कों पे सारे जानवर आराम कर रहे हैं। तो प्रकृति ने ये दिखा दिया है कि अगर आपको अच्छे से जीना है तो प्रकृति में जीना सीखो, और प्रकृति के लिए जीना सीखो, और नेचर को प्रणाम करके जीना सीखो। नेचर से पंगा मत लो। नेचर ने एक बार नहीं, दसों बार इस बात को प्रमाणित किया है कि 10 सेकेंड आपको उखाड़ने के लिए काफी है। मैं दुआ करता हूं कि पूरे विश्व में रमजान का महीना शुरू हुआ है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सबकी ईदी अच्छी बने, और ईद के बाद में एक ऐसा संसार शुरू हो हम सबकी जीवन में, ताकि हम लोग कम से कम एक दूसरे को इंसान मान के जिए, एक दूसरे का सम्मान करके जिए। क्योंकि जो अहम था, हम मानवों का, हम इंसानों का, जो लोग अपना अहम अहम दिखाते थे, मेरा ये मेरा ये, वो अहम तो मिट्टी में मिला दिया है कोरोना ने। तो प्लीज प्लीज, इसके बाद अगर अहम मिट चुका है तो इसके बाद प्रेम से जीना सीखें, एक दूसरे के लिए जीना सीखें, खुद के लिए जीना सीखें, अपने परिवार के लिए जीना सीखें, अपने संसार के लिए जीना सीखें।